हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ का जो आपके पास जी का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर मिला है मैथ्स का वो कराने वाली हूँ तो इसके क्वेश्चन नंबर वन टू ट्वेंटी हमने कर लिए हैं हिंदी मीडियम में आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आज हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन से इस पेपर स्टार्ट करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे भाग बी है वो हमारे पास ठीक है इसमें फर्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन जो है वो आपके पास है रिक्त स्थान भरिए तो आपसे कह रहा है यदि ए इज़ इक्वल्स टू टू प्लस रूट थ्री होगा तो वन अपॉइंट ए का मान क्या होगा वन वन मार्क के ये क्वेश्चन है आपको यहाँ पर ए का मान दे रखा है टू प्लस का रूट थ्री और आपको वन अपॉइंट ए का निकालना है तो बस a की जगह ए का मान मैंने यहाँ रख दिया मल्टीप्लाई ये हो गया टू माइनस का रूट थ्री यहाँ हो गया टू माइनस का रूट थ्री ठीक है तो ये हो जाएगा टू माइनस रूट थ्री यहाँ पर हमने अपनी सर्व लगा दी है तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ठीक है तो टू माइनस का रूट थ्री और यहाँ आ जाएगा फोर माइनस का थ्री तो आंसर आ जाएगा टू माइनस का रूट थ्री तो यहाँ लिख देते हैं क्लियर नेक्स्ट आपसे कह रहा है बिंदु P माइनस फोर और माइनस थ्री की x अक्ष से दूरी बतानी है तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पर बना दूँ मान लेते हैं ये मेरा माइनस फोर है और ये मेरा माइनस थ्री है तो x अक्ष से जो दूरी होगी वो यही तो होगी तो इतनी है तीन पर तीन इकाई है पर आप माइनस नहीं लगाओगे क्यों क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं समकोण त्रिभुज में डैश सबसे लंबी भुजा होती है कौन सी होती है कर्ण वो सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में ये वो त्रिभुज है जिसमें एक कोण नब्बे डिग्री का होता है है ना तो ये जो ये है ये होती है कर्ण ये सबसे लंबी भुजा होती है क्लियर नेक्स्ट आपसे कह रहा है हिरोन सूत्र के अनुसार किसी त्रिभुज का, तो मतलब का सूत्र ही लिखना है तो वो होता है तो क्वेश्चन ट्वेंटी वन कम्प्लीट आते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी टू पे आपको क्या करना है इसमें सत्य तथा असत्य बताइए तो ट्रू और फॉल्स है एक तरीके से है ना तो फर्स्ट अगर हम देखें दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए मापदंडों hey, तीन भुजाएं और तीन कोण में से कोई भी तीन मापदंड बराबर होने चाहिए आपसे कह रहा है अगर आपको दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है तो कोई सी भी तीन चीज़ पता होनी चाहिए या तो तीनों कोण पता हो या फिर तीनों भुजाएं पता हो या फिर कोण और भुजा पता हो ऐसा होना चाहिए देखो अगर आपको तीनों कोण पता है ना तो आप इन दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध नहीं कर सकते क्यों क्योंकि सर्वांगसम में ए ए ए ऐसी कोई कसौटी ही नहीं होती है नहीं है ना ऐसा कोई भी रूल सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तो ये एक तरीके से आपके पास आ सकते हैं आपको भुजा पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है नेक्स्ट कह रहा है आपसे जीरो पॉइंट थ्री बार और जीरो पॉइंट फाइव बार का योग जीरो पॉइंट एट बार है तो देखो अगर आप इन्हें पी अपॉन ऑन क्यू की फॉर्म में लिखोगे ना तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन नाइन और इसको लिखोगे तो हो जाएगा फाइव अपॉन नाइन इसकी अलग से एक वीडियो बनी हुई है जिसमें आपको ये चैप्टर पूरा बता रखा है मैंने तो आप वहाँ से देखिएगा कि कैसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इन्हें और इस चैप्टर के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं वो भी चैनल पे अपलोड है प्लेलिस्ट सबकी बनी आप वहाँ से देखिएगा अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका एट अपॉन्ट नाइन आएगा है ना और जब आप जीरो पॉइंट एट बार को पी अप ऑन क्यू की फॉर्म में लिखोगे ना तो वो भी आपका एट अपॉइंट नाइन ही आएगा इसका मतलब ये आपके पास सत्य है ठीक है नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्णांक के रूप में दर्शाया जा सकता है क्या आप हर परिमेय संख्या को पूर्णांक के रूप में दिखा सकते हैं मैं अगर आपको एक उदाहरण दू टू अपॉइंट फाइव ये परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है तो नहीं दिखा सकते ना तो ये हो जाएगा आपके पास आ सकते क्लियर नेक्स्ट है आपके पास वह रेखाए जो एक ही रेखा के समांतरों परस्पर समांतर होती है तो अगर मैं यहाँ दो रेखा तीन रेखाएं बना दू एल और एन मैं आपसे कहूँ जो एल है वो एम के भी समांतर है और जो एल है वो एन के भी समांतर है तो क्या फिर एम जो है वो एन के समांतर होगा यह आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बिल्कुल होगा ये सत्य है जब एल एम के समांतर है और एल एन के समांतर है फिर ये दोनों भी आपस में समांतर होंगी ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री पे वन वन मार्क के ही क्वेश्चन है ये भी सारे तो आपको कह रहा है सरल कीजिए तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो इनकी जो घात है वो एक जैसी है तो ऐसा करो आप जो आधार है वो नीचे एक बार ही हम एक ही ब्रैकेट में लिख लो और घात ये लिख दो तो इसका आंसर आ जाएगा सिक्सटी और उसकी जो घात है वो आ जाएगी टू बाई थ्री यही आपका आंसर है ठीक है उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कह रहे दी गई आकृति में आपको क्या करना है एक्स का मान ज्ञात करना है तो अगर आप अपनी आकृति देखें तो आपको देख के पता चल रहा है ये आपके पास चैप्टर नंबर सिक्स का क्वेश्चन है है ना तो अब इसमें आप कैसे निकालेंगे तो ये आपको वन वन जीरो दे रखा है तो एक्स तो वन वन जीरो ही आएगा क्यों आएगा एक्स वन वन जीरो ये तो आप सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकते हो क्यों क्योंकि आपके एकांतर कोण है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इसी के साथ चॉइस में दे रखा है कह रहे हैं दी गई आकृति में पी का मान ज्ञात कीजिए देखो एक त्रिभुज है इसमें ये नब्बे डिग्री आपके पास ये पैतीस है तो तीसरा आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक सौ अस्सी होता है तो बराबर में मैंने एक सौ अक्सि कर दिया ठीक है तो यहाँ पाँच आ जाएगा यहाँ पर बारह आ जाएगा प्लस का पी और यहाँ पर आ जाएगा वन एटी आप इसको दूसरी साइड ले जाओ तो टेन में से फाइव जाएगा फाइव सेवन में से टू जाएगा फाइव फिफ्टी फाइव आपका आंसर आ जाएगा का मान आ गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव में कह रहे हैं रैखिक समीकरण फोर एक्स इजिकल टू सिक्स का आलेख किस अक्ष के समांतर होगा तो अगर मैं यहाँ से x का मान निकालू तो वो मेरा सिक्स अपॉइंट फोर इसका मतलब वो मेरे पास थ्री अपॉइंट टू हो जाएगा चलो बना के देख लेते हैं यहाँ तो मैंने माना ये जीरो है ये वन है ये टू है ये थ्री है तो यहाँ है ना थ्री अपॉइंट टू का मतलब हो जाएगा वन पॉइंट फाइव ना जब आप डिवाइड करोगे तो ये यहाँ आ गया अब यहाँ से मुझे क्या करनी है एक्स का मान है ये इतना ठीक है ना तो अगर आप देखें तो अगर मैं यहाँ से एक रेखा ये बना दूँ तो ये किसके समांतर आ रही है वाई अक्ष के है ना

y को आप क्या करोगे जीरो लोगे उस टाइम पे है ना तो बस y को जीरो रख दो तो टू एक्स माइनस का जीरो इजिकल टू सिक्स तो टू एक्स इजिकल टू में सिक्स हो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा सिक्स अपॉन में टू इसका मतलब थ्री आ जाएगा तो इसका मतलब आपको क्या बताना था वो बिंदु बतानी थी तो वो बिंदु आ जाएगी आपकी थ्री और ज़ीरो क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स पे आते हैं कह रहे त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है वो बी सी के बराबर है और कोण बी जो है वो चालीस है तो सी का मान बताऊँ तो अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लूँ अपना तो ए बी सी है तो देखो ये जो ए बी है ये बी सी के बराबर है और ये बी मुझे चालीस दे रखा है जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो जो इनके सम्मुख कोण है वो भी बराबर होंगे तो इन दोनों को मैंने क्या किया एक्स मान लिया खुद से अब सी का मान बताना है तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो मेरे पास एक सौ अस्सी होता है तो ये हो जाएगा फोर्टी प्लस का यहाँ आ जाएगा आपके पास टू एक्स इजिकल टू में वन एटी फोर्टी को मैं उधर ले गई माइनस किया तो वन फोर्टी आ गया एक्स का मान मेरे पास आ गया है सेवेंटी तो इसका मतलब कौन सी मेरे पास आ जाएगा सत्तर डिग्री क्लियर है फिर इसके साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के लिए सर्वांग समता नियम लिखिए यदि ए बी जो है वो क्यू पी के एंगल बी जो है वो पी के और बी सी जो है वो पी आर के बराबर है फिर यहाँ पर आपके पास दो त्रिभुज है एक है आपके पास ए बी सी और दूसरा है आपके पास पी क्यू आर ठीक है अब आप में आपको इसका सर्वांग नियम लिखना है ए बी से से जो है, है।, है, है? है।, है, है। तो भुजा हो गई ये मेरा कौन हो गया ये मेरी भुजा हो गई तो एस ए एस जो है वो मेरा यहाँ पर सर्वांगसम नियम लग रहा है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है इसमें आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर रूट टू और रूट थ्री के बीच के दो अपरिमय संख्याएं बताइए तो देखो अगर देखा जाए यहाँ पर तो रूट टू का मान अगर मैं देखूँ तो वो मेरे पास कितना होता है वो होता है वन पॉइंट फोर वन फोर और रूट थ्री का मान अगर मैं देखूँ तो वो होता है वन पॉइंट सेवन थ्री टू तो इनके बीच की जो दो आपको अपरिमेय संख्याएँ लिखनी हैं तो वो कौन कौन सी होंगी तो आप पहले लिख देना दो अपरिमेय संख्याएँ और उसके बाद उन दोनों के आंसर्स यहाँ लिख रही हूँ मैं तो वो दोनों आंसर्स आप लिख देना ठीक है तो इसके बाद इनके बीच के कोई भी नंबर ले लो जैसे मैंने ले लिया वन पॉइंट फोर टू फोर टू टू फोर टू 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 फोर ठीक है और एक मैंने ले लिया यहाँ पर वन पॉइंट फाइव जीरो फ़ाइव ज़ीरो ज़ीरो फाइव ज़ीरो ज़ीरो जीरो पर आगे डॉट डॉट ज़रूर लगा देना ताकि आगे चल रहे पता चल जाए ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है आपके पास एक रैखिक युग्म का एक कौन सिक्सटी फाइव है तो इस युग्म का दूसरा कोण क्या होगा तो आपको पता है रैखिक युग्म जो होते हैं उन दोनों कोणों का योग जो है वो वन एटी होता है तो मैंने मान लिया दूसरे वाला x है ठीक है तो यहाँ लिख देते हैं माना दूसरा कोण जो है वो x है ठीक है आप प्रश्न के अनुसार देखें तो सिक्सटी फाइव प्लस एक्स जो है वो वन एटी के बराबर होगा तो x कितना आ जाएगा आपके पास वन एटी माइनस का सिक्सटी फाइव तो x आ जाएगा फाइव यहाँ पर वन वन फाइव आ गया क्लियर तो ये क्वेश्चन ट्वेंटी एट आपके पास ठीक है अब इसके साथ चॉइस में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है अब वो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण पूरक हैं तो वह किस त्रि किस प्रकार का त्रिभुज बन सकता है देखो पूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का को योग आपके पास नब्बे डिग्री होता है वो आपके पूरा कोण होते पू हैं है ना तो अब पूरा कोण अगर हम मैं एक त्रिभुज बना लूँ तो ये दोनों कोणों का योग तो नब्बे हो ही चुका है पूरा कोन है दे रखा है अब ये तीसरे वाला तो फिर नब्बे ही होगा ना और क्यों आपके पास ये नब्बे डिग्री का कोण होगा क्योंकि आपको पता है एक कोण के तीनों एक जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग एक सौ अस्सी होता है है ना जब ये नब्बे हो गया तो बाकी का बचा हुआ फिर वो नब्बे ही तो होगा है ना तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा आपके पास तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्लियर है ये था क्वेश्चन ट्वेंटी एट तो इसी के साथ हमारा ये वाला भाग खत्म होता है आगे के क्वेश्चन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू